हैप्पी न्यू ईयर। और आज के शेफ है हमारे पापा, सो पनीर टिक्का रेडी हो गया। टूटी बंद हो गई है, राम तो कर दो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरे समझ नहीं आता ये का तरीका हलवा खिलाने का। गरम गरम हलवा खिला दिया मुझे। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये सब लोग डर जाते हैं मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग करते हुए, पता नहीं क्यों। और गाइस आज है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर, और हमारा कोई प्लान नहीं है। जैसे मैंने बताया था कल कि कोई भी हमारा न्यू ईयर का प्लान नहीं है। हमारा स्पीकर भी नहीं है, बताओ। गूगल पे डांस करेंगे। क्या खा रही हो? तो गाइस हमारा भी कोई प्लान है नहीं, और अभी बनने का भी कुछ मुझे आसार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सब अपने मस्ती मौज में घूमे जा रहे हैं। रात को कहेंगे कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। क्या बन रहा है रात को खाने पीने में? क्या न्यू ईयर पे बना रही हो? तुम तो गद्दार हो, तुम तो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। लाइटर कहाँ गया? लाइटर नहीं दिख रहा मम्मी को। ये रहा लाइटर, ये छुपा बैठा। पानी नहीं खोला हुआ, लेकिन उसमें गर्म होगा। अंशिका, हीटर को अलविदा कहने का वक्त आ गया तुम्हारे। भैया क्या करोगे तुम रात को? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ प्लान ही कर ले। तू बच्ची है, पहले छोटे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी प्लानिंग कर देते हम जैसे, पता है तुझे? गाइस बाहर का मौसम देख लो, क्या मस्त हो रहा है। धूप तो है ही नहीं, धूप का नामो निशान नहीं है। उसे कोहरा निकल रहा है अब। इतनी देर कैसे लग गई? स्कूट आ जा, कुछ कहने का नहीं, अपने आप फट जाएगा ये तो। मैंने कहा नहीं था पूजा हो रही होगी? बच्ची आ रही है कहाँ से? घूम के। अच्छा तो यहाँ से चलो चलो जाओ, खा लिया तुमने, अब जाओ। गो। देख लो गाइस कैसी डरपोक है, इसने बना रही है कुत्ते को, डांट रही है। मेरी बच्ची आ रही है, जा। अच्छा गो। बच्ची डरती नहीं, माँ डर रही है। गो गो गो। कलवी क्लोज अप पोज ले लिया इसका मैंने। क्या ना भोपो खड़ा है यहाँ, तेरी मम्मी कह रही है क्या ना आ रही है, हट जा। मैंने कहा हट जा, मेरी बच्ची आ रही है। आ गया क्या ना के पास, आ गया और पैर क्या की जैकेट देखना कहाँ चढ़ गई। फ्रॉक बन गई इसकी। अच्छा रोमियो लिंजा करो मैं जाके, क्या ना नो क्याना को भी ले जाओ। सो गाइस मितिका मेरे से कह रही है तुम अपने दोस्तों के साथ जाके मनाओ न्यू ईयर। कह रही है हमें 3 साल हो गए, अब तुम इस साल ना अपने दोस्तों के साथ मनाओ। मैंने कहा सब दोस्तों की शादी हो गई, कुंवारे दोस्त मेरे यहाँ नहीं रहते, वो गुड़गांव है, मुझे नहीं जाना किसी के साथ। हर दुख में हर सुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मत बोलो मुझे कि मैं देर से पार्टी नहीं कर पा रहा। कोई नहीं, वो देखेंगे आईफा वॉच देखेंगे। ये कब टूट गए थे, मतलब ये कब टूट गए थे? तो मम्मी ने ना इसको यहाँ रख दिया सजाने के लिए। पौधे इसमें पानी पीते हैं, मम पी रहे हैं इसमें, क्या ना कह रही मम। सो गाइस न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं अभी, यहाँ खड़े हो गए इस टाइम। कुछ तो आइडिया दे दो क्या कर सकते हैं हम न्यू ईयर पे। ये तो ऐसी बिल्कुल तो इंटरेस्टेड नहीं हो तो हमें तो बता दो। सो गाइस फाइनली अब जाके हमारा थोड़ा प्लान सेट हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ हमने क्या डिसाइड किया है। हमारे पास ना ये देख लो, अंशिका गुब्बारे फुला रही है। क्या चिलस्ती क्यों है तो अंशिका इतना? सो गाइस हमने डिसाइड किया है हम बनाएंगे पनीर टिक्का बारबेक्यू पे, और हम पे ना वो नहीं था बारबेक्यू वगैरह कुछ भी, तो अब एंड टाइम पे ना दूर जाने का टाइम नहीं था, तो पापा ना आ रहे थे कहीं से, तो वहाँ पे एक शॉप थी उसके पास बारबेक्यू मिल गया हमारे को, एक तरीके से देसी बारबेक्यू समझ लो। सो गाइस अब ये हुआ है। सो गाइस प्लीज व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अंशिका की पिटाई करेंगे हम, अंशिका को खूब पीटेंगे गुब्बारे की तरह। हम ना सबसे ज्यादा काम वैसे अंशिका से करवाते हैं, घर में सबसे ज्यादा काम अंशिका करती है, हमारी बहन। गाइस अब तक यही अपडेट है, अब जाके थोड़ा कुछ हमारा प्रोग्राम सेट हुआ है, वरना कुछ नहीं हो रहा था अब तक। तो अब पनीर टिक्का बनेगा जब दिखाता हूँ मैं। तो गाइस हमें पनीर टिक्के के लिए चाहिए मेन दही, बेसन, और क्या क्या चाहिए मम्मी? प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। क्या क्या चीज है हम पर, क्या क्या चीज नहीं है ये बताओ, जो अमन से लानी हो और जो यहाँ ना हो। अभी तक तो ये है, हम देखो क्या क्या लाते हैं। अभी हम तो बाहर लगाने हैं, अंदर बाहर। चलो बुलेट ठगा के तो आगे। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build one. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. But my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah. Guys, आ गया हमारा कोयला और बारबेक्यू। मम्मी का बर्थडे भी है और न्यू ईयर भी है, तो दो दो ओकेशन एक साथ हैं, तो इसके लिए हमने केक मंगाया है, और जो कि हम काटेंगे रात को 12 बजे। इसके अंदर पूरे में कोयले रख के ऊपर सीख के ले आए, अब बढ़िया सीखेंगे, आई समझ।
सो गाइस ये आ गया हमारा पनीर। मतलब ये देखो जितने का ये पनीर आया है उतने का एक पनीर टिक्का आता बाजार से। और गाइस ये है हमारी रुमाली रोटी, इसे हम गर्म करेंगे मक्खन में और तंदूर पे जब हमारा पनीर टिक्का बनेगा जब सेकेंगे। सो गाइस यहाँ पे मुस्कान अरेंजमेंट कर रही है, इंशिका बलून जला गई, ये चार बलून लगा के गई है इंशिका। क्या ना नो, ये क्या बदतमीजी है, ये देख लो गाइस इसे बैठना नहीं है साइकिल में। हमारा पनीर मैरिनेट हो चुका है, एक बार में चार सिक जाएंगे इसमें तो, लेकिन दो दो ही सिकेंगे। क्या ना मैडम यहाँ खड़ी है और क्या ना मैडम की साइकिलें यहाँ खड़ी है। सो गाइस क्या ना की बुआ छुप चुकी है और क्या ना को ढूंढना है क्या ना की बुआ कहाँ है। छुपन छुपाई खेल रही है क्या ना की बुआ क्या ना के साथ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ बर्गर के बंद लेने के लिए, क्योंकि हम पे टिक्की तो रखी है बट बर्गर के बंद नहीं है। 2014 on wing places। देख लो गाइस क्या ना और क्या ना की बुआ तो बैठ गए आराम से यहाँ पे। क्यों होगी गीली रजाई, मम्मी कह रही है कोई यहाँ। तो गाइस देख लो यहाँ कोयले सुलगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कोयले। इसके नीचे की जगह जो है वहाँ क्या रखते हैं, किस लिए होती है, राख आती रहती है उसके लिए। सो गाइस अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ हमने क्या क्या अरेंजमेंट किया। छोटा सा हमारा अरेंजमेंट है न्यू ईयर पार्टी के लिए, तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या किया। देखो गाइस ये क्या ना अंशिका का करवाया है, अंशिका ने टब में कुरकुरे वगैरह रख दिए यहाँ पे और क्या ना के टॉयज लगा दिए। यहाँ ये बैठे हैं क्या ना की बुआ बलून से खेल रहे हैं। ये यहाँ अंशिका ने क्रिसमस ट्री भी लगा दी और यहाँ ये मम्मी कोयले सिल खा रही है। देख लो वो ले लो, वो क्या होती है फूकनी, ये फूकनी बना ली मम्मी ने, अब फूकनी से फूकेंगे इसे। सो गाइस देख लो कुछ ऐसा हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, मतलब इससे बढ़िया क्या होगा। अपना पनीर टिक्का बनाओ, मतलब हमारे पास सिर्फ अरेंजमेंट नहीं था लेकिन हमने वो भी कर लिया। अब हमारे पास छोटी सी क्या ना जय जय कर रही है, क्या ना को लग रहा है कि यहाँ पे हवन हो रहा है। और देख लो इस पे बढ़िया तरीके से आँच आ रही है, अंशिका ने किया हमारा धीरे धीरे सिख रहा है। यहाँ सारा हमने अरेंजमेंट कर रखा है, वगैरह सब और आज के शेफ है हमारे पापा और मम्मी। मम्मी मम्मी रुमाली सेक रही है, पापा पनीर टिक्का सेक रहे हैं और अंशिका कुछ नहीं कर रही। सो पनीर टिक्का रेडी हो गया हमारा, कोल्ड ड्रिंक कर रही है मुस्कान और ये आ गया मेरा पनीर टिक्का। बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट से खाते हैं पहले। कैसा बना है? बहुत शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया। देख कैसे बड़े पनीर टिक्के सेक रहे हैं, डायरेक्ट गैस क्या कहते हैं इसे, बारबेक्यू पे से उतर के विद द शेफ संजीव का। अंशिका आजा, मी चांस गरम है ऐसे मत करो। देखो सेकंड शेफ रेनू वर्मा रोटियां ला रही हैं और बच्चे खा रहे हैं। तुम खाओ। बड़े बड़े लोग लो भाई आ गए, बड़े बड़े लोग पनीर टिक्का खाने के लिए। तुम्हारा नंबर लेट लगा था क्या, तुम्हारी सिलाई बच रही थी। रुमाली रोटी हमारे अंदर किचन में सिक रही है, पनीर टिक्का शेफ ही बैठे हमारे बेचारी क्या ना जब भी मेन टाइम होता है जब सो जाती है ना। हाँ कोई नहीं, केक के टाइम उठा देंगे 12 बजे। हाँ सो गाइस देख लो यहाँ पे मिथी का अपनी खाने का इंतजार कर रही है और यहाँ क्या ना को कैमरे में देख रही है। मम्मी बताओ कैसा बना है, गेट भेड़ दूं। लो जी कोयले इतने सारे डाले थे हमने, सारा चूरा होकर नीचे चले गए। कैसा बना है तुम रिव्यू दो, अब तुम्हारा रिव्यू है बढ़िया बाजार का है। ये हमने शेफ बुलाया है 5-स्टार होटल से। हम सोच रहे मुस्कान मंदिर गई हुई थी, मम्मी कह रही स्कूटी बंद हो गई शायद। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि 22 जनवरी को ना दूसरी दिवाली बनेगी, मतलब 22 जनवरी को ना दूसरी दिवाली होगी और सब लोग अपने घर में दीवा जलाएंगे राम जी के नाम का। 22 जनवरी को मम्मी मम्मी 22 जनवरी को दीवा जलेगा। हाँ हाँ पूरा दिवाली की तरह रामलल्ला के लिए। हाँ वैसे दो ही होंगी, वैसे 22 जनवरी दिवाली हो जाएगी। मैं ला गिटार ला, पहले पहले गिटार ला, गिटार लाना, गिटार लाना, मेरी वजह से गिटार नहीं आया। हाँ मम्मी की वजह से नहीं आया, कॉलेज में बारिश हो गई थी, पापा के सामने गई भी देखने गिटार पिटार सब गिटार पिटार बजाएगा। बजाता मैं आज गिटारिस्ट होता अगर गिटार आ जाता, गाना गाता फिर अब तो आवाज बेकार हो गई मेरी। ये तो राज खुल रहे हैं, सब लोग मेरे को बोलो थैंक यू।
और पापा को बोलो। मैं यही सोच रहा था मम्मी ने तो सिकी हुई रोटी सेकी है, मम्मी ने फूक मारी है इसमें, मम्मी ने कोयले सिलगाए हैं। मम्मी हाथ से को। ओ बहुत गर्म आ रहा है। अरे जल्दी देखो, फोन गिर गया, हम गिट्टी में फिर गया। ओ। घर में लग गए मैंने तो। मम्मी तो उठ के चल गई। अभी रखा था मैंने तो। घर तूने कब रखा था यहाँ? मम्मी ने कहा था उसे। मुस्कान का फोन नहीं मिल रहा था, तो हम कह रहे हैं कि फोन कहाँ है? और मम्मी के पनीर टिक्का हो गया। अब हमारे चढ़ रही है रेवड़ी और मूंगफली। पापा ने शकरकंदी रख रखी है। ये शकरकंदी ऐसी लग रही है, क्या बोलूं, बस पीछे से देखो और आगे से देखो बिल्कुल शेप। चिकन चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। सो गाइस इसे गलत मत समझना, ये शकरकंदी है। सो गाइस इन्हें देख लो दोनों को, देखो इन्हें देखो, यहाँ पे यहाँ पे इनकी वो चल रही है सिस्टर डेट। हम व्लॉग देख रहे हैं बैठ के। आ रहा है ठंडा ठंडा ठंड में, ठंड में। हम तो कर लेंगे। सो गाइस कमेंट करके बताओ क्या आप लोग चाहते हैं हम 24 आवर्स यहाँ पे बैठ के चैलेंज करें। सो गाइस अगर आप ये चैलेंज देखना चाहते हो ना, तो इस वीडियो पे जो ये व्लॉग आएगा इस पे 100 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे, और 20 प्लस कमेंट्स होने चाहिए आपको। देख लो ज्यादा हार्ड नहीं है, तो हम ओवरनाइट मतलब बाहर का चैलेंज करेंगे, हम बेड पे नहीं सोएंगे, या तो छत पे या नीचे। तो अंशिका को अगर आप देखना चाहते हो ठंड में तिटरते हुए, तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आ जाओ हाथ सेक लो गाइस, लो। तो गाइस तुम्हारे लिए मैंने आग जला रखी है, इतनी ठंड है, देख लो हाथ सेक लो। आ जाओ, हम पहाड़ों में बैठे हैं, क्रिसमस ट्री भी है। देखो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी है। तो गाइस न्यू ईयर स्टार्ट होने में बस 15-20 मिनट रह गए हैं, और मम्मी का बर्थडे भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर केक काटेंगे हम। अभी 15-20 मिनट और मम्मी तो सो रही हैं, आधे घंटे से मम्मी सो रही हैं। मम्मी को उठाना भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मम्मी कहेंगी अभी नहीं काट रही, मैं सुबह काटूंगी। लेकिन हमारा केक खाने का मन कर रहा है, हैंची का ये क्या के साथ खेल रही है, हमारा केक खाने का मन कर रहा है, इसमें मम्मी से केक कटवा रहे हैं, यहाँ इनका घर घर चल रहा है। सो गाइस केक आ गया हमारा, हैप्पी बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर, और अब मम्मी का केक कटवाएंगे हम। तो गाइस देख लो मम्मी बिचारी सिर्फ हमारे लिए उठी है केक काटने के लिए, वरना सो चुकी थी बिल्कुल। और अभी न्यू ईयर होने में 15 मिनट पहले हम काट रहे हैं, जिससे कि मम्मी सो जाए आराम से अपना। ये इतने भूखे लोग हैं, मम्मी को सिर्फ इसलिए उठाया है कि इन्हें केक अभी खाना था, वरना मम्मी सुबह काटने को कह रही थी केक। और इंशिका की स्नैप नहीं बन के दे रही, देखना स्नैप फ्रीक्स हैं ये लोग, और स्नैप इसकी एक भी अच्छी नहीं आती बेचारी की। ओ, मेरी स्नैप की तारीफ की है उसकी दिन है। खाना ठंडा हो जाता है, लेकिन अंशिका की स्नैप नहीं खत्म होती। हाँ। ब्लॉग कर दो ये। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। लो मैं शॉर्ट लो, मम्मी को छोड़ना चाहिए। क्या ना वो खिलाओ सबसे पहले। सो गाइस अब केक कट गया, क्या ना ने खाया सबसे पहले, ये हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, क्या ना हैप्पी न्यू ईयर, क्या ना की मम्मी कहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बम 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 बम। सो गाइस हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को भी, ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो, और बहुत अच्छा अच्छा हो आप सबके साथ, आपकी फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर, हमारी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्या गाइस कियाना भी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही है। सो चलो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अब आपसे मुलाकात होगी 2024 में। 2023 का ये हमारा आखिरी व्लॉग था, अब आपसे मिलेंगे 2024 में। चलो सब बाय कर दो, चलो गाइस मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड, बाय। हैप्पी न्यू ईयर का न्यू ईयर बच रहा था, तो अब वो केक कट रहा है। सो गाइस भगवान जी को भी हैप्पी न्यू ईयर।
इश्क़ चचना।